कर्नाटक में मांड्या सीट से कांग्रेस विधायक रवि कुमार गौड़ा ने 27 तारीख को दावा किया कि सिद्धरमैया के नेतृत्व वाली सरकार ने 2.5 साल के कार्यकाल के बाद उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। गौड़ा ने आरोप लगाया कि 2019 में कांग्रेस और जेडीएस गठबंधन सरकार के सत्ता से हटने के पीछे जो टीम थी वो अब कांग्रेस विधायकों को 50 करोड़ रुपए और मंत्री पद जैसे प्रलोभन देने का काम कर रही है और 4 विधायकों से पहले ही संपर्क किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि इसके सबूत हैं और जल्द ही इसका खुलासा किया जाएगा। उन्होंने कहा ये एक गारंटी है कि वो यानी शिव कुमार 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री बनेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि उन्हें पार्टी के लिए काम किया है, इस पर कोई भ्रम नहीं है। विपक्ष मीडिया में एक गलत विमर्श फैला रहा है इस सवाल के जवाब में कि क्या ऐसा कोई समझौता हुआ है। उन्होंने कहा मुझे इसके बारे में नहीं पता, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई समझौता है। हमें नहीं पता कि आलाकमान स्तर पर क्या चर्चा हुई है, लेकिन वो मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम किया है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जबरदस्त जीत के बाद इस साल 20 मई को सिद्धरमैया ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। विधायक ने साथ ही सिद्धरमैया की प्रशंसा करते हुए कहा वो अच्छा काम कर रहे हैं। सरकार ने 5 लोक लुभावन गारंटी योजनाएं दी हैं और वो लोगों तक पहुंच रही हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस भय के साथ अनावश्यक झूठे विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहा है कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में 28 में से कम 20 सीटें जीतेगी, लेकिन वो सफल नहीं होंगे। इससे पहले भी राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस के भीतर से इस सरकार के 5 साल के कार्यकाल के मध्य में शिव कुमार के मुख्यमंत्री बनने के दावे किए गए थे। ये पूछे जाने पर कि क्या 2.5 साल बाद शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सिद्धरमैया को इस्तीफा देना होगा, विधायक ने कहा इन सभी चीजों पर अभी चर्चा क्यों, ये अभी प्रासंगिक नहीं है। सरकार प्रभावी ढंग से काम कर रही है और लोगों का कल्याण हमारे सामने है, समय आने पर चीजें तय हो जाएंगी। इस साल मई में विधानसभा चुनाव नतीजे आने के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए सिद्धरमैया और शिव कुमार के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा थी और कांग्रेस पार्टी शिव कुमार को मनाने में कामयाब रही। उन्होंने उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया। हालांकि ऐसी खबरें थी कि बारी बारी से मुख्यमंत्री फॉर्मूले के आधार पर एक समझौता हुआ है जिसके अनुसार शिव कुमार 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन पार्टी द्वारा इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं की गई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।